अपने पाकिस्तानी प्रेमी नसरुल्लाह से निकाह करके अंजू भारत लौट आई है। 29 नवंबर को बाघा बॉर्डर के रास्ते अंजू पहले अमृतसर और उसके बाद दिल्ली पहुंची। दिल्ली एयरपोर्ट पर मीडिया ने उसे कई सवालों के साथ घेर लिया। उससे बार बार पूछा गया कि वह भारत किस मकसद से आई है, लेकिन अंजू ने किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। हालांकि कयास यह लगाए जा रहे थे कि अंजू राजस्थान के भिवाड़ी में रहने वाले अपने बच्चों से मिलने जाएगी। अमृतसर में आईबी और पंजाब पुलिस की पूछताछ में अंजू ने यही बताया था कि वो अपने पति अरविंद को तलाक देने आई है और वो अपने बच्चों से मिलकर उसे पाकिस्तान ले जाने की कोशिश करेगी। अंजू और अरविंद की बेटी और 6 साल का बेटा है। करीब 4 महीने पहले अंजू नसरुल्लाह से निकाह करने के लिए चुपचाप पाकिस्तान चली गई थी। उसके इस कदम से उसके घर वाले बेहद आहत हुए थे और उसके बाद उसके पति अरविंद ने यह बताया कि उसके बच्चों ने अपनी मां से मिलने से इनकार कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अंजू के भारत लौटने की खबर के बीच आईबी ने अंजू के बच्चों से बातचीत की है। कहा जा रहा है कि चूंकि अरविंद ने अंजू के खिलाफ मामला दर्ज कराया है, इसलिए उसके भिवाड़ी आने पर उससे पूछताछ भी की जा सकती है। इसी के साथ भिवाड़ी में उस सोसाइटी में भी अंजू के एंट्री पर बैन करने को कहा गया है जहां वह पहले रहा करती थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक सोसाइटी में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और हर गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। किसी को भी अरविंद के फ्लैट की तरफ जाने की इजाजत नहीं है। वहीं दूसरी तरफ अंजू के पिता गया प्रसाद ने भी बेटी से मिलने से इनकार कर दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि उनकी बेटी अब उनके लिए मर चुकी है। ऐसे में सवाल है कि अंजू भारत आने के बाद आखिर रह कहां रही है। जब उसके पति और उसके पिता ने उससे मिलने से मना कर दिया है तो उसका नया ठिकाना कहां है, वह कहां गायब है। अरविंद के मुताबिक अंजू और उसका अभी तलाक नहीं हुआ है और इस पूरी प्रक्रिया में करीब 5 से 6 महीने का समय लग सकता है, जबकि अंजू को भारत आने के लिए केवल 1 महीने की NOC मिली है। अंजू को इन सवालों का जवाब देना है कि यदि बच्चे उससे मिलने से इनकार कर देते हैं तो वह कैसे बच्चों की कस्टडी हासिल कर सकती है। फिर जब उसे भारत आने के लिए केवल 1 महीने की मंजूरी मिली है तो क्या वह तलाक की प्रक्रिया पूरी किए बगैर पाकिस्तान लौट जाएगी। कुछ ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब तो सिर्फ अंजू के पास ही है। टाइम्स नाउ न भारत डिजिटल की रिपोर्ट।